हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज डिसीजन थियरी का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ डिसीजन थियरी। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। ध्यान देना, इन द प्रीवियस लेक्चर और उसके भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिसीजन थियरी स्टार्ट किया था, जिससे पहले लेक्चर में क्राइटेरियंस दिए थे, अलग अलग क्राइटेरिया, मिनी मैक्स, मैक्सी मैक्स, मिनी मेन, ऐसे क्राइटेरियाज दिए गए थे। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको करवाया EMV, EOL, EPPI, EVPI, BMS के लिए, एंड देन हाउ टू मेक द टेबल, वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आज हम लास्ट पार्ट इसका कवर करने वाले, वो है डिसीजन ट्री। क्या कवर करने वाले? डिसीजन ट्री। जैसे आपने इंग्लिश में, हिंदी में देखा रहेगा, ट्री डायग्राम बनता है। तो ट्री डायग्राम कैसे बनता है? कुछ तो हेड होता है, फिर उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, फिर उसके पार्ट्स होते हैं। तो इधर भी यही करना है हमको, यहाँ पे भी ट्री रिप्रेजेंट करने का, मतलब ट्री डायग्राम बनाने का है। किसका? तो ऐसे क्वेश्चन का। और इधर ट्री डायग्राम में प्रेजेंटेशन होगा EMV का, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू का। मतलब ट्री डायग्राम में क्या बनने वाला है? EMV बनने वाला है। और EMV में हेडिंग की बात करूंगा तो हेडिंग में क्या होता है? ऑलवेज अपना आंसर क्या होता है? एक्शन होता है। तो एक्शन इज ऑलवेज योर हेडिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल हेडिंग इधर लिखते थे, बट EMV यानी कि डिसीजन ट्री के अंदर हेडिंग ये साइड आएगा, एंड देन उसके वेरियस ब्रांचेस जो होंगे वो बनेंगे। ओके, तो विल स्टार्ट विथ, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, और टेक्स्ट बुक जो मेरे पास है, इस टेक्स्ट बुक में यानी कि BCOM के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 332, सम नंबर 39, अनसॉल्व सम है, पेज नंबर 332, सम नंबर 39, क्वेश्चन दिया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिसीजन प्रॉब्लम विद पे ऑफ टेबल एज फॉलो यूजिंग द डिसीजन ट्री एंड सजेस्ट द बेस्ट एक्शन। दिस इज योर क्वेश्चन, और मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे, एक हेड देंगे, और हेड में हमेशा क्या आने वाला है? एक्शन। यहाँ पे हमने एक हेड दे दिया है, वो हमारा है एक्शन। क्लियर है? यहाँ पे हेड में मैं लिख देता हूं, भाई दिस इज माय एक्शन। एक्शन की कितने ब्रांचेस है? 1, 2, 3, 4। इसके कितने ब्रांचेस निकलेंगे भाई? 4। फर्स्ट, ठीक है, सेकंड अपने ऊपर है हम कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, थर्ड, डायग्राम कोई ऐसा ये नहीं कि ऐसा ही शेप आना चाहिए, शेप इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आंसर इज इम्पॉर्टेंट। समझ में आएगा? कनेक्शन बन गया वो, बस शेप किसी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा तो मेरे लिए नहीं, कनेक्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो? वेरी गुड। ये हमारा फर्स्ट एक्शन, भविष्य एक्शन वन, एक्शन टू, एक्शन थ्री, रोशनी समझ रहा है तेरे को? एक्शन फोर। क्या शेप इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इंपॉर्टेंट है? कनेक्शन। समझ में आया? अब हर एक एक्शन में सिचुएशन कितने? 3। तो हर एक एक्शन में सिचुएशन कितने निकलेंगे? 3, 3। मतलब इसके सब ब्रांचेस निकलने वाले, तो भाई हर एक इसके अंदर 3 ब्रांचेस आने वाले। एक, समझ में आया? ये ना नीचे ले, नहीं मैं अपने लिए शेप इंपॉर्टेंट नहीं पहले बोला मैंने, बराबर है? तो ये आपका है E1, E2, E3, ऐसे हर एक इसमें बनेंगे E1, E2, E3। अरे समझा? यहाँ पे E1, E2, E3, E बन गया सर इसमें भी, है ना भावेश? समझ में आया? ये हर एक इसमें E1, E2, E3, E1, E2, E3, E1, E3, E1, E2, बन गया ट्री डायग्राम, हो गया सब। हैं,
सबर, यहां तक समझ में आया? अब अगर ये सम को मुझे ईएमवी के बेसिस पे सॉल्व करना होता, अगर इस सम को ईएमवी के बेसिस पे सॉल्व करना होता, तो ईएमवी में कैसे करते हो? प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इनटू वैल्यू, यही करते ना, इधर भी यही लिखेंगे। एक्शन वन, ये मेरा एक्शन वन है। इवन में वैल्यू कितना है? 20, और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0. अरे समझा, लिखने का तरीका खाली, ऊपर भी लिख सकते थे, उसके साथ भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0.3 इधर नहीं समझ में आया, इनटू 0.3 चलेगा। सेकंड कितना है? 30 और 0.30 इनटू 0.5, 50 इनटू 0.2। अरे समझाइए, अरे समझ में आया? समझा, विच इज इक्विवेलेंट टू, इधर आपको आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर 20 इंटू 0.36, हाँ 30 इंटू 0.5, 15, 10। ये बस इतना ही लिख के छोड़ देना, ये समझ में आया? अरे समझा या नहीं? सेकेंड में जाते, एक्शन टू में क्या है भाई? 40 इंटू 0.3, 45 इंटू 0.5, 30 इंटू 0.2, समझा? विच इज पहला तो 12 आ गया, इधर यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका कर लो क्या 225 बोला बेटा तू, थोड़ा सा ये उम्र में होता है, इट्स नॉर्मल। इधर आते 25 इंटू 0.3, 26 इंटू 0.5, 28 इंटू 0.2, यही आपका ईएमवी भी है। ईएमवी भी ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, जो अभी तुमको प्रैक्टिस के लिए बोला था सेम चीज। इधर 7.5, 13, 16, नहीं 5.6, करेक्ट, समझ में आया? ये आते हैं लास्ट में भाई, कितना है? 30 इंटू 0.3, 25 इंटू 0.5 एंड 35 इंटू 0.2, ये ई है और वही सेम चीज। बताओ इधर 9, 12.5, 7, समझ गया? अब इधर प्रेजेंट नहीं करना है, बट आंसर देना है कौन सा एक्शन बेस्ट है। तो ईएमवी में आप क्या करते थे? सबको ऐड ही करते थे ना, तो इसका एडिशन, एक्शन वन का एडिशन कितना आ रहा है देखो, 6 + 15 + 10 = 25 + 6 = 31, एक्शन टू 12 + 22 + 6 = 44, 48.5, 40.5, एक्शन थ्री 26.1 बराबर है, इधर 19, 28.5, ओह वाओ वेरी गुड, यू आर अवेक, 28.5। राहुल इतना समझ में आ? राहुल, राहुल चार एक्शन है, राहुल एक्शन वन, एक्शन टू, एक्शन थ्री, एक्शन फोर, प्रश्न समझ में आया? भवेश समझाए, इसमें सबसे अच्छा कौन है? सबसे अच्छा कौन है? कौन है अच्छा? अरे समझा, योर आंसर एज पर ईएमवी इज 40.5, एक्शन टू, खत्म हो गया। इधर लिखना ईएमवी एज पर एक्शन टू इक्वल्स टू 40.5, यही है डिसीजन ट्री। हाँ लीव इट, यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आया? ये क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड पे जाते हैं। सेम चीज है, सॉल्व सम नंबर 10 टेक्स्ट बुक में, सॉल्व वही मेथड है बेटा, है कौन सा सम किया बेटा? यही है ना, हाँ तो कहाँ इधर आंसर? तुमने मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग किया है, फिर 20, 30, 50, ये उसका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी 0.3, 0.5 किया तो है वो लोग ने, वही सॉल्व 40.5, 26.1, 28.5, 31, लिखा 31 है, आंसर 40.5 ही है,
હા શું થયું બેન તમે? બધું નોર્મલ છે ને? આ આન્સર 40.5 આવશે. સમજમાં આવ્યા કે આપ લોકો? બળેંગે સેકન્ડ સમ કી તરફ દેખતે વાપસ ક્યા? ઈએમવી મેં હંમેશા નિરાલી ક્યા લેતે અપન? મેક્સિમમ વેલ્યુ. તો આન્સર ટેક્સ્ટબુક મેં અગર 31 દિયા તો બોલે એ તું ગલત હે, આન્સર 40.5. અબ વાપસ સેકન્ડ સમ, વાપસ પહેલા મેઇન હેડ ડાલ દેતે એક્શન. ટેક્સ્ટબુક મેરે કો દેખતે હુએ દેખા હે કભી? રેર કેસ મેં ટેક્સ્ટબુક રેફર કરતે. કન્સેપ્ટ ક્લિયર હે તો ફિર ટેક્સ્ટબુક કા ટેન્શન નહીં અપને. ઇતના સમજ મેં આયા ક્યા? ચલિએ નેહા જી, યે એક્શન મેં કિતને એક્શન અપને પાસ હે? સિર્ફ દો. तो इसके दो ब्रांचेस निकाल देते, एक भाई साहब को ऊपर दे देते, एक भाई साहब को नीचे, चलेगा? अरे हाँ जी, ओके बढ़िया है. एक्शन वन, एक्शन टू. मैंने अभी कहा था शेप इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? कनेक्शन. समझ में आया? अब एक्शन वन में कितने ब्रांचेस हैं? तीन ब्रांचेस है. तो यहां पे हम लोग तीन ब्रांचेस निकाल लेते. समझ में आइए? सेम इसके भी तीन ब्रांचेस ले लेते. सिचुएशन वन, सिचुएशन टू, सिचुएशन थ्री. सिचुएशन वन, टू एंड थ्री. अंडरस्टूड? प्रेजेंट करेंगे इसके वैल्यूज को. तो स्टार्ट करते. पहला वैल्यू है 25,000 और इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.3. दूसरा वैल्यू है 35,000, 0.5. तीसरा वैल्यू है 40,000 और 0.2. मैंने कल एक और बात बताया था, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1. देखो करके हर एक में प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 ही रहेगा. बाय डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1 और 100%. ठीक है, चलिए आते यहाँ पे. 50,000, बाकी आप लोग ये आंसर निकाल के रखना, बाद में पूछता हूं मैं. 0.3 यहाँ पे, 20,000, 0.5 एंड 10,000, 0.2. अरे समझा क्या? चलिए आंसर ले लेते यहाँ पे. क्या बात है, 7,500, 17,500, ओहो 8,000, यहाँ पे 15,000, 1,500. एक जीरो निकलेंगे, 15,000 बराबर है बेटा, एक जीरो कम होएगा, होता है ये उम्र है बेटा, नॉर्मल. नाम क्या तेरा बताया तूने? सिद्ध. बेटा सिद्ध ध्यान दे बेटा, यहाँ पे 10,000, 10,000 बराबर है. हाँ हाँ, 2,000. अभी 7.5, 17.5 और 8, तो ये हो गया तुम्हारा 25, 33,000. इसका आंसर है 33,000 और इधर आपको आ जाएगा 27,000. कौन सा एक्शन अच्छा है? एक्शन वन ईएमवी का आंसर है. बराबर है क्या उसमें? अभी बराबर है क्या? 31,000 है ना भाई? चलिए समझ में आया. तो यहाँ पे हमने खत्म किया लेसन डिसीजन थियोरी. अभी भी क्लियर बोलता हूँ, देखो तीन वीडियोस है, तीन वीडियोस के अंदर पूरा लेसन खत्म होता है. समझ में आया? ट्राई करना, कंसेप्ट क्लियर रखना एंड कॉन्फिडेंस रहना. टेक्स्ट बुक में क्या दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. टेक्स्ट बुक के अंदर जो आप सम सॉल्व कर रहे हो, जो मैंने कंसेप्ट दिया ना, उसको पकड़ के चलो. जरूरी नहीं कि हर बार टेक्स्ट बुक ही राइट हो. कंसेप्ट राइट है तो आंसर राइट है. जैसे अभी आपने बोला आपके टेक्स्ट बुक में कुछ अलग दिख गया आपको, तो होता है कभी कभी इंसान ने भी प्रिंट किया है, वो होगा उससे गलती. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.